मैंने पहले जो टिकटॉक वीडियो बनाई थी वो उसके बारे में मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे टिकटॉक वीडियो बनाना मना है। मैंने जब वो वीडियो पोस्ट करी और वो वायरल हुई तो मुझे पता चला कि ये गलत है यहाँ पे वीडियो बनाना, तो उसी दिन मैंने वो वीडियो डिलीट करी जब मुझे उस चीज़ का एहसास हुआ। जब मैंने वीडियो पोस्ट करी थी उसके अगले दिन ही मैंने माफ़ी की वीडियो भी डाली थी और उसमें बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, नेगेटिव भी थे। चाहे के पूरे देश विच टिकटॉक बैन हो चुका है, लेकिन टिकटॉक हजे भी कुछ लोकां वास्ते मुसीबत बनिया होया है। जनवरी 2020 दी गल करिए तां उस महीने पहली बार दरबार साहिब नतमस्तक होण आई एक कुड़ी ने दरबार साहिब दे परिक्रमा दे विच टिकटॉक वीडियो बनाई सी, जिदे तों बाद सिख संगतां दे मनां नूं भारी ठेस पुजी सी ते उस लड़की उते 295 ए दे धारा दे तहत मामला भी दर्ज कीता गया सी। अज ओ कुड़ी फिर तों श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नूं माफ़ी मंगण वास्ते एक माफ़ीनामा देण लई पुजी है। पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं उस कुड़ी ने दस्सिआ है कि ओह पहली वार श्री दरबार साहिब जनवरी दे विच ही आई सी, पर गलती दे नाल ही उहदे कोलों इह टिकटॉक वीडियो बनाई गई जिस दी उसने मुआफ़ी भी मंग लई सी। फिर भी उस उत्ते मामला दर्ज कर दिता गया सी। अज ओह फिर श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार कोलों माफ़ी मंगण वास्ते पहुंची है ते मामले नूं हुण खत्म करना चाहुंदी है। जो आपने टिकटॉक बनाया था जो श्री दरबार साहिब में, आज उसके संबंध में श्री अकाल तख्त साहिब पर आए, क्या कहोगे? मैंने पहले जो टिकटॉक वीडियो बनाई थी वो उसके बारे में मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे टिकटॉक वीडियो बनाना मना है, और मैंने इतना नोटिस नहीं किया था। जो बोर्ड्स लगे हैं यहाँ पे, बट मैंने नोटिस नहीं किया था उसके बारे में। मैंने जब वो वीडियो पोस्ट करी और वो वायरल हुई तो मुझे पता चला कि ये गलत है यहाँ पे वीडियो बनाना, तो उसी दिन मैंने वो वीडियो डिलीट करी जब मुझे उस चीज़ का एहसास हुआ। और मैंने उसकी माफ़ी में, सबसे ताकि किसी के धर्म को कोई ठेस ना पहुँचे, इसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी, और आज मैं फिर से माफ़ी मांगने आई हूँ और रिटर्न में माफ़ी मांगी है। किनसे माफ़ी मांगने आप? जिन भी धर्म को मैंने ठेस पहुँचाई उन सबके लिए मैंने, उन सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ आज, और सब मुझे माफ़ कर दे, मैं उनसे यही प्रे करूँगी। आपने दोबारा फेसबुक पे कब माफ़ी मांगी थी? दोबारा माफ़ी मांगी थी मैंने जब मैंने वीडियो पोस्ट करी थी उसके अगले दिन ही मैंने माफ़ी की वीडियो भी डाली थी, और उसमें बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, नेगेटिव भी थे, बट ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो आज आप श्री अकाल तख्त साहिब पर आए? हाँ जी, और मैं माफ़ी मांग के जाऊंगी और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ताज़ा खबरां ते नवीआं जानकारी भरपूर वीडियोज़ देखण वास्ते सबसक्राइब करो साडा यूट्यूब चैनल सुरखाब टीवी। जेकर तुसी इस वीडियो नूं फेसबुक उत्ते देख रहे हो तां साडा फेसबुक पेज रहमत टीवी भी लाइक ते फॉलो कर लो।